हमारे समक्ष बैठे हुए हैं पूर्व सांसद श्री गेवा अवारी। इनका हाल ही में राष्ट्रीय मजदूर पद पर आपकी नियुक्ति हुई है, तो सर आप मजदूर के वेलफेयर के लिए, नमस्कार, मजदूर के वेलफेयर के लिए आप क्या क्या कदम उठाओगे उस बारे में बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। मजदूर यानी वन हु सर्व्स, उस कैटेगरी में क्लास वन से लेकर क्लास फोर तक सभी कर्मचारी आते हैं, ऐसा हम लोग की जो परिभाषा है। और खास करके दो रहते हैं, एक तो संगठित लेबर जो इसमें काम करता है और असंगठित लेबर छोटे मोटे का, इसको दायरा बहुत बड़ा है। और बेसिक जो हमारी कल्पना थी कि जिसको हम लोग कह सकते वेलफेयर स्टेट, और वो संकल्पना सर्वधर्म संभाव व वेलफेयर, सभी का ये अच्छा हो सके, भला हो सके, ऐसी संकल्पना लेकर आज़ादी का आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में उनके अलग ढंग से रहा लेकिन वो भी रहा, और जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनके विचारों को लेकर ये आज़ादी का आंदोलन जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी भी थे, ऐसा करके हमने आज़ादी प्राप्त की। आज़ादी प्राप्त करने के बाद जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी जिसके राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे, इन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो कॉन्स्टिट्यूशन भी एक तरीके से वेलफेयर स्टेट की संकल्पना दे रहा है, सबको समान अधिकार दिया गया है। मज़ेदार बात तो ऐसी है कि जब हम आज़ाद हुए अंग्रेजों से, और आज जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं अमेरिका वगैरह वगैरह, वो 1946 से लेकर 50 तक के अमेरिका ने भी सभी आदमी को एक वोट नहीं दिया था, इसने इंग्लैंड ने भी नहीं दिया था। एडल्ट फ्रेंचाइज की जो कल्पना है वो कल्पना सबसे पहले गांधी जी और उनकी मृत्यु, उनके दुखद निधन के बाद, उनको मार दिए जाने के बाद, नेहरू जी ने स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री इस रूप में ये संकल्पना, और बाबा साहेब अम्बेडकर की वो समिति ने ये संकल्पना को सामने लाया, एडल्ट फ्रेंचाइज यानी एक वोट रिक्शे वाले को भी और वही एक वोट टाटा को भी, ये बहुत बड़ी बात है। और इस बात से सब शुरू होता है, और इसीलिए मजदूर की संकल्पना जो थी कि हम सबको कुछ न कुछ देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अपने देश में सभी लोगों को रोजी रोटी और मकान मिले, ये बेसिक जो अपने कॉन्सेप्ट्स थे, तो वो करने के लिए साधन जुटाने का काम करना पड़ता है। और वो साधन जुटाते वक्त में उस साधन का विनियोग कितने लोगों को जाता है ये महत्व का था। और इसीलिए मुझे याद है कि जब हम लोग स्टूडेंट लीडर होकर पहली बार पब्लिक लाइफ में आए, 75 में कॉरपोरेटर बने, लोकसभा में गए, तब इंदिरा जी का राज था, और इंदिरा जी ने सबसे पहले ये संकल्पना उठाई बिलो पॉवर्टी लाइन की, जो संकल्पना है इन ऑल दी डेलिब्रेशंस हमारे 5 ईयर प्लानिंग में सब जगह, नीचे के लोगों को कैसे हम उठाए, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा है कि लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड में लाना है। ठीक है, हमने एडल्ट फ्रेंचाइज दे दी, एक रिक्शे वाले भाई को भी एक वोट दे दिया और टाटा के लड़के को भी, लेकिन रिक्शे वाला भाई बहुत मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाता है, टाटा ऑब्वियसली करोड़ों रुपया है, एक नाम ले रहा हूँ टाटा का, व्हाट आई मीन इज अमीर आदमी, और वो लोग अपने बच्चे को अमेरिका इंग्लैंड भेज जाते हैं क्योंकि उनको उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ है। और इसीलिए अपने रिजर्वेशन दिए हैं, और ये ज़्यादातर लेवल प्लेइंग फील्ड में 80% लोग मजदूर है, 80% लोग हैव नॉट्स है, हैव नॉट्स यानी जिनसे ना ही रहे, जिनसे करे काइच नहीं, और उनके प्रति हमारी ये जवाबदारी है जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड में इतने साल से होते आई। लेकिन ऑफ लेट हम ऐसा देख रहे हैं, ऑफ लेट यानी गए 10-15 5-6 सालों से एक नया प्रवाह इस देश में शुरू हुआ, और वो प्रवाह हुआ कि हमारी जो सर्वधर्म संभावता है, सर्वधर्म संभाव की जो भावना है उस भावना को रोकना, और एक तरीके से एक ही रिलीजन सब लोगों पे मात करे ये तरह की बात करना, और उसी तरह से लेबर फोर्स को खत्म ही कर देना करीब करीब। और मुझे याद है कि भारतवर्ष में पहले से जब मीनू मसानी जी थे स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष, और
ये जो बड़ी इंडस्ट्रियल लॉबी थी वो फोरम ऑफ फ्री एंटरप्राइज चलाती थी, और वो कहते थे हमें लेजर्स फेयर इकोनॉमी होना, हमें कंट्रोल दूर करना है, हमें कोई तरह के गवर्नमेंटल कंट्रोल नहीं होना, और डी कंट्रोलिंग का काम फिर ठीक है धीरे धीरे वो लोग पॉलिटिकली अंदर से इंदिरा जी का विरोध करने उन्होंने शुरू किया, लेकिन मैडम के हथियार के बाद ये बात थोड़ी कम हुई, राजीव जी ने ओपन करना शुरू किया। तो देश में एक आकलन किया गया तो मजदूर और वंचित लोगों की जो स्थिति है बहुत दयनीय है, और केंद्र सरकार का जो डेटा कुछ ऐसा हिडन उनका एजेंडा है इसके साथ देखा जाए तो मजदूरों पर खूब ध्यान दिया। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली उस पे आ रहा हूँ कि एक विचार ऐसा था फोरम ऑफ फ्री इंटरप्राइज, सब बंधन दूर करो, सब ओपन करो, लेकिन आप ओपन क्या करोगे, कैसे करोगे? और इसीलिए मेरे को नेहरू जी के जमाने में उनका एक ये है, तो लेटेस्ट पोजीशन पे तो उसका हम स्टडी करेंगे पहले। और अभी तो अड़चन ऐसे है कि एमआईडीसी में फैक्ट्रियां ही निकलने जा रही है, उसका कारण मैं आपको एक बताता हूं कि बहुत सारे मिडिल इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे आ रहे हैं, मिडिल भाई हम चाहते हैं नया रोजगार शुरू हो, एक प्रथा गिर गई जिसके कारण नागपुर एमआईडीसी सफर कर रही है। मैं किसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं पॉलिटिशियन हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बीच में एक ऐसी व्यवस्था आ गई कि गवर्नमेंट के जो शॉप्स है, शॉप्स यानी गवर्नमेंट जो कंसेशन देती है वो लेने के लिए आप आओ, कुछ दिन चलाओ और फैक्ट्री को खत्म कर डालो, यानी लेबर ओरिएंटेड कुछ हो नहीं रहा है। दर्शकों, ये हमारे बीच थे राष्ट्रीय ग्रामीण अध्यक्ष श्री अवारी जी, जिन्होंने हमारे साथ व्यक्त किया। आगे भी कोई भी अपडेट करे हम आपसे संपर्क करने के बारे में हम दूर दूर तक नहीं सोच रहे, तो ये विवादास्पद बयान इसलिए बयानबाजी हो रही है, उसके पीछे क्या मकसद है? पहला मकसद है दिल्ली का चुनाव जीतना, जानबूझ के, म्हणजे तू बोल आणि मी बुझो, तू आग लगाओ और मैं पानी का टेंडर लेके आता हूँ, इस तरह की ये व्यू रचना बहुत विचित्र तरीके से हो रही। दिल्ली के चुनाव के बाद में हमको स्पष्ट उनकी बातें दिखेगी, चुनाव आते वक्त में ही ये इस तरह की गड़बड़ियाँ करते हैं। यानी डेमोक्रेसी अगर अच्छी चल रही है तो उसको डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का फायदा लेकर मेजॉरिटी मिलाना, बाद में डेमोक्रेसी को सबवर्ट करना, ये तो इतिहास में हिटलर से हम लोग सीखते आए हैं और वही काम ये कर रहे हैं, ऐसा मेरा मत है। थैंक यू है।